The story. I love the story. And especially the guy who's making it. दोस्तों, किंग खान की फिल्म जवान को लेकर अक्षय कुमार का शानदार रिएक्शन आया है। अक्षय जवान की स्टोरी और डायरेक्टर एटली की भी जमकर तारीफ करते हैं। अक्षय कहते हैं कि ये फिल्म काफी दमदार अभिनय से भरी हुई है, खासकर विक्रम राठौर वाला किरदार और दीपिका का जेल वाला सीन काफी इमोशंस से भरपूर है। अक्षय भविष्य में शाहरुख के साथ एक फिल्म करने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। जवान ने हिंदी और साउथ में जो कमाई की है उससे पूरा बॉलीवुड हिल गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जवान विजय का रोल देखने के लिए लोग तरस रहे थे, लेकिन अब पता चल गया है कि एटली उनके लिए दूसरी फिल्म तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ होगा शाहरुख यानी विक्रम राठौर और दूसरी तरफ थालापति विजय, और फिर सारे रिकॉर्ड टूटकर बिखर जाएंगे। दोस्तों, जवान के डायरेक्टर एटली ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि वो अब जवान के 3 पार्ट बनाएंगे, यानी अभी तो शाहरुख ने शुरुआत की है, असली तबाही तो आगे लाएंगे। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जवान के अगले पार्ट में हॉलीवुड के कुछ बड़े एक्टर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगली बार फिल्म को पैन वर्ल्ड रिलीज किया जाएगा। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जवान फिल्म ने कुछ ही दिनों में करोड़ों का कारोबार भी कर लिया है। फिलहाल जवान फिल्म ने पूरे देश में सनसनी मचाई हुई है। वही फिल्म देश की सबसे कम दिनों के समय में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। वही दोस्तों, पठान के बाद जवान और जवान के बाद डंकी ये साल शाहरुख खान के लिए उनके करियर का सबसे अच्छा साल है। पूरे बॉलीवुड को शाहरुख ने अकेले ही धूल चटा दिया और साउथ में भी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर चुकी है। दोस्तों, फिलहाल जवान का जलवा लगातार चल रहा है और फिल्म का तूफानी क्रेज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जवान का हाइप इतना ज्यादा है कि कोई भी फिल्म इसके आसपास नहीं है। कुछ दिनों के अंदर ये फिल्म दुनिया भर से 1500 करोड़ की कमाई करती नजर आ रही है। फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा है और डायरेक्टर भी बहुत बड़े मास एक्शन के एक्सपर्ट है। दोस्तों, पठान ने लगभग 1000 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें 500 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में कमाए थे। लेकिन अब जवान को लेकर शाहरुख खान के फैंस 2000 करोड़ कमाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना जवान कितना कलेक्शन करेगी।